आज का हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। आप इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। स्टॉक 90 से 140 तक रैली करके देना गेन 112 से अभी 138 पर रैली कर रहा है। अगर आप वन डे का चार्ट ऑब्जर्व करें, स्टॉक 90 के अराउंड बेस बनाया है एंड देन अनदर बेस नियर अबाउट 100 to 110 में बेस बनाया है। तो फॉर पोजिशनल ट्रेड आप इसको 125 to 138 में बाय कर सकते हो और फॉर पोजिशनल ट्रेड हमारा जिसमें जो स्टॉप लॉस है वो 110 रहेगा एंड टारगेट्स जो है फॉर पोजिशनल ट्रेड 143, 148, 152 एंड अबो टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर पोजिशनल ट्रेड। स्टॉप लॉस हम इसमें रिवाइज करते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 120 और फॉर सेफ साइड जो पहले डिस्कस किया था वो आप रख सकते हो। फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी आप ये चार्ट देख सकते हो। जो इसका 52 वीक लो था नियर अबाउट 89.90 हमने टेलीग्राम चैनल पे भी ये स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था। तो स्टॉक वही लेवल से नियर अबाउट 50% अब ऑलरेडी हो चुका है। तो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अभी आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, अदरवाइज 180 to 100 लेवल में भी कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। बट आप वो लेवल पे फिर से स्टॉक जाएगा या कंफर्म नहीं बता सकते, तो आप मार्केट प्राइस पर और अदरवाइज 120 to 140 में डेफिनेटली कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। एज पर चार्ट्स अगर आप मंथली का चार्ट देखें, स्टॉक 181 से 790 देन कुछ टाइम कंसोलिडेट हो गए 1428 देन डायरेक्टली 111 to 319 देन अगेन वही सेम लेवल से 140 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म 120 to 140 80 to 100 में आप क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। एज पर चार्ट्स आप इसमें इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म 180 to 220 एंड अबाउट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है तो एज पर रिस्क कैपेसिटी काम करे, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतनी क्वांटिटी में काम करे। एग्रेसिव एंट्री मत लेना। आप खुद भी सर्च चार्ट स्टडी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, उसके बाद ही ट्रेड में जाना। क्योंकि मंथली का अगर कैंडल देखे तो स्टॉक 130 से 263 एक ही मंथ में, देन आफ्टर 3 मंथ्स 250 से 130 देन अगेन 154 से 311 एंड देन अगेन 290 लेवल्स। तो स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है तो एज पर रिस्क कैपेसिटी ट्रेड करना, बट एज पर चार्ट हिस्ट्री आप इसमें ट्रेड कर सकते हो ऐसा लगता है। तो ये चार्ट आप फॉर शॉर्ट टर्म पोजिशनल लॉन्ग टर्म स्टडी कर सकते हो और एज पर रिस्क कैपेसिटी ट्रेड ले सकते हो।